Hello friends, this is Vishnu Gansan. Welcome to Sterling Admission Media. As we all know, today was the hearing on the Spacer Stadium. जी हाँ, आज अगर मैं बात करूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, तो आज आप सबको पता था कि 8 जून दैट इज वेडनेसडे को आज आपका सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था रिगार्डिंग योर स्पेशल स्टे राउंड, मतलब कि जो सीटें लेफ्ट ओवर बची थी स्टे राउंड के बाद भी उनका क्या होना था। तो आज उन्हीं चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अभी तक आपने हमारे पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो। साथ में अगर आपके 450 प्लस स्कोर है और आपको फ्री काउंसलिंग असिस्टेंस भी हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है ड्यू टू योर ट्रेमेंडस वर्क एंड ड्यू टू योर एक्सीलेंट वर्क इन कोविड पीरियड। जब कोविड के टाइम पे हर कोई ऑनलाइन चल रहा था, तब आप अपनी लाइफ को भी थ्रेटनिंग करके हटा के आप कोविड में सर्व कर रहे थे हमारे लिए। इस वजह से आपको इसलिए हमारी टीम एडमिशन मीडिया आपको एक गिफ्ट या एक हमारी एक भेंट कर रही है कि जिसमें हम आपको 500 फ्री काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करके रखें। अब अगर मैं बात करूं स्पेशल स्टे राउंड की, तो जैसा कि हम सबको पता था कि कल सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए थे, हियरिंग आज थी, तो लेकिन लेटेस्ट न्यूज के बारे में बताएं तो द एएससी ऑफ द गवर्नमेंट इज अब्सेंट टुडे, जिसकी वजह से आपकी कल की डेट दी गई है। लेकिन हाँ, डेट तो कल की मिली है, डेट इज आपका 9th of June 2022 की डेट दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है कि आर टोटल नंबर ऑफ 1456, जी हाँ 1456 सीट्स अभी भी बची हुई हैं आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर, जिनकी कोई आइडिया नहीं है। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि अभी 1456 सीट्स के साथ क्या किया जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें कितनी क्लिनिकल है कितनी नॉन क्लिनिकल है, ये तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ना तो ये सामने आया है, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि टोटल सीट्स में से क्लिनिकल कितनी है, नॉन क्लिनिकल कितनी है, प्राइवेट की कितनी है, डीम्ड की कितनी है। लेकिन जो नंबर सामने आया है वो है आपकी 1450 सीट्स आर रिमेनिंग, और अब देखना होगा कि गवर्नमेंट कल क्या डिसीजन लेती है। आज एएससी ऑफ गवर्नमेंट वाज एब्सेंट, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हुई, ये आपके फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। लेकिन कल एक और इम्पोर्टेंट डेट होगा आपके लिए, और सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी देखा था कि जब कोर्ट केस हो रहा था या जो आपको ओबीसी वाली चीजें हो रही थी तो कैसे डेट पे डेट मिल रहे थे, तो एग्जैक्टली यहां पे देखने वाला होगा कि कल क्या फाइनल वर्डिक्ट आता है या एक और डेट मिलता है। अगर फाइनल वर्डिक्ट आता है तो ये 1456 के वो ये 1456 सीट्स के साथ क्या होगा, अगेन एक स्पेशल स्टे राउंड होगा या री रिविजन ऑफ कट ऑफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली अगर आप नीट पीजी 2021 में ड्यू टू सम 3-4 मार्क्स अगर आप एलिजिबिलिटी मिस कर गए हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली क्या होता है। बट जो भी अपडेट होगा विल कीप अपडेटिंग यू। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करके रखा है तो आप ज्वाइन करके रख सकते हो एडमिशन मीडिया। साथ में सीपीएस काउंसलिंग के बारे में भी अगर आपको अपडेट करना चाहूं तो मैं आपको बता दूं कि राउंड टू ऑफ काउंसलिंग ऑलरेडी अपडेट की जा चुकी है, आपके डेट्स आ चुके हैं, सीट मैट्रिक्स होपफुली आज इवनिंग तक आ जाएगी और आपके प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन या री रिविजन ऑफ कट ऑफ सीपीएस के लिए भी एटलीस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो सीपीएस में देखा गया कि हर साल मॉपअप या स्टे राउंड के अंदर जरूर आपका कट ऑफ आया है, तो एग्जैक्टली क्या होगा कैसे होगा वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर आप एडमिशंस देख रहे हो या अगर आपको कोई भी और डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल एज यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9545925519। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।